छोटा जो एनवलप है उसके अंदर पोस्टल बैलेट रहेगा आपका, ठीक है। उसके ऊपर काउंटर फाइल ऐसे बीच में लकीर लगी होगी, सीरियल नंबर है, मतलब सीरियल नंबर आप पोस्टल बैलेट दिया, काउंटर फाइल को बाद में काउंटर फाइल उसकी काटी गई होगी और जो वोट डालना है उसको टिक दीजिए, तो वो प्रॉपरली फोल्ड करके बाकी नाम उसका भरोगे, उसके सिग्नेचर दो। वन उधमपुर इस पार्टी नंबर वन लिखी है जो आपके बैग में है, आता है स्टील ट्रंक वर्क, ठीक है, ये एक मिलेगा। देन आता है जूट बैग जिसमें आपको सामान मिल रहा है सारा। देन आता है बैलेट पेपर जो आपके इस इनवेल वो भी अपना एजेंट दे। बहुत मेहनत की आप लोगों ने, सेंटर में जाओ। ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से करना, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं ऐसा कहीं कंफ्यूजन हो तो फोन कर। चलो 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 जाने आज उधमपुर में जितने भी ऐसे वोटर्स थे जिनकी हमें एप्लीकेशंस आई थी, जो 85 इयर्स प्लस थे और जो किसी डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, जो पोलिंग स्टेशन में आके अपना वोट डालने के लिए असमर्थ हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो होम वोटिंग की एक सुविधा दी गई है। तो ऐसे कुछ 115 वोटर्स हैं जिनकी हमें रिक्वेस्ट रिसीव हुई, जो आज हमारी 40 पोलिंग पार्टीज़ हैं चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, जो आज यहां से रवाना की जा रही हैं, जो आज लोगों को घर घर जाके फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस और जो सीक्रेसी ऑफ वोटिंग है उसको बरकरार रखते हुए आज उनकी वोटिंग उनके घर से करवाएंगे। और सभी लोगों को अपील है कि इलेक्शन में हर एक मतदाता का वोट बहुत कीमती होता है और एक वोट के लिए लगभग हमारी 15 लोगों की पार्टी जाती है उनका एक वोट लेने के लिए, तो ये बताता है कि एक वोट की भी कितनी ज़्यादा कीमत है। तो अपना हर एक वोट बहुत कीमती है, कोई भी अपना वोट ज़ाया ना करे और मतदान ज़रूर करें।